हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आप देख रहे हैं एमके ब्लॉग्स राम। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के विषय में बताने वाला हूं, जहां आपको कम से कम जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैसूर। मैसूर भारत का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसको प्रसिद्ध रूप से द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह अपनी शाही विरासत, जटिल वास्तुकला और प्रसिद्ध रेशम साड़ियों के अलावा चंदन के इतिहास के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। मैसूर कर्नाटक का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सालों भर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैसूर शाही इतिहास में डूबा हुआ एक शहर है, जो भारत के तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की तीन सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। यहाँ का मैसूर पैलेस पूरे देश में सबसे आकर्षक महलों में से एक है। अगर आप भारत में घूमने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपको एक बार मैसूर जरूर जाना चाहिए। दिल्ली। दिल्ली को दो हिस्सों के रूप में जाना जाता है, एक पुरानी दिल्ली, दूसरा नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली का नाम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर कई मस्जिद, किले और अन्य स्मारक आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं, जो भारत के इतिहास को बताते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्थानों में लाल किले, जामा मस्जिद आदि नाम शामिल हैं। इसके अलावा नई दिल्ली अपने सरकारी इमारतों और विदेशी दूतावासों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि दिल्ली दिलवालों का कहा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर राष्ट्रपति भवन और लोटस टेम्पल नहीं घूमते हैं, तो दिल्ली आना अधूरा माना जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे में आपको रेड कलर से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का एक प्रमुख पर्यटन शहर है, जो अपने कई पर्यटन आकर्षणों की वजह से काफ़ी फेमस है। कन्याकुमारी खासकर भारत में अपने शानदार और अद्वितीय सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर तीन महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के संगम हैं, जो यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त को और भी खास बनाते हैं। आपको बता दें कि पूर्णिमा की शाम को यहाँ पर एक ही समय में चंद्रमा उदय और सूर्यास्त को क्षितिज के दोनों ओर एक साथ देखा जा सकता है। यह नज़ारा देखने में बेहद ही शानदार होता है। जयपुर। जयपुर का नाम भारत के टॉप 10 पर्यटन स्थलों की लिस्ट में शामिल है। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन शहरों में से एक है। जयपुर अपने शानदार किले, महलों, राजसी इमारतें, इतिहास और वीरता की लड़ाइयों के किस्से की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जयपुर के आकर्षक किलों और स्मारकों को देखने यहां दुनिया भर से लोग आते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन जयपुर शहर की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शहर में कुछ ऐसे होटल भी स्थित हैं, जो दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक हैं। जयपुर के प्रमुख आकर्षणों में हवा महल, अंबर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल और रामबाग पैलेस के नाम शामिल हैं। लेह। दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं हिमालय और काराकोरम से घिरा हुआ लेह लद्दाख भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस जगह पर घूमना यहां आने वाले पर्यटक की यात्रा को यादगार बना देता है। बहुत से लोग दो जुड़वा स्थलों लेह और लद्दाख को लेकर हमेशा भ्रम में रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य को तीन भागों में बांटा गया है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख जिला दो भागों में विभाजित है, लेह और कारगिल जिला। लेह अपने सुंदर मठों, सुरम स्थानों और शानदार बाजारों की वजह से भारत का एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, जो इस जगह की संस्कृति को परिभाषित करते हैं। गोवा। गोवा का नाम भी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिस्ट में शामिल है। यह भारत में छुट्टी बिताने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
गोवा भारत का एक ऐसा दर्शनीय स्थल है जहां पर लोग अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ जाकर यहां की यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं। गोवा अपने कई समुद्री बीच की वजह से अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। आपको बता दें कि गोवा का नाम दुनिया के टॉप शीर्ष 10 नाइट लाइफ शहरों की लिस्ट में छठे नंबर पर आता है। अगर आप भारत में एंजॉय करने किसी जगह की तलाश में हैं तो आपको एक बार गोवा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारत में घूमने की अच्छी जगहों में से एक है। धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, भरपूर वन्य जीवन, स्मारकों और स्थानीय हस्तकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की यात्रा करते हैं तो बता दें कि यह आपकी अब तक की यात्रा में से सबसे यादगार यात्रा होगी, क्योंकि यह राज्य सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस जगह पर घूमने के अलावा आप यहां के साहसिक खेलों में भी भाग ले सकते हैं जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगे। यहां आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, गोल्फ और कैंपिंग जैसे खेलों का मजा लेकर अपनी यात्रा को और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं। डल झील, कश्मीर घाटी, खारदुंगला दर्रा, गुलमर्ग, शालीमार बाग यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। शिमला। शिमला भारत का एक प्रमुख पर्यटन शहर और हिल स्टेशन है। यह भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, हनीमून स्पॉट, अपने मॉल रोड, रीज और टॉय ट्रेन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो ब्रिटिश भारत की पूर्ववर्ती ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से ही प्रसिद्ध है। जो भी पर्यटक शिमला की यात्रा करने आते हैं वे दोबारा आने के लिए बेताब रहते हैं। शिमला की औपनिवेशिक शैली की इमारतें यहां आने वाले पर्यटकों को अपने आकर्षण से अपनी ओर खींचती है। अगर आप शिमला की यात्रा करने जाते हैं तो आपको यहां के कुछ खास पर्यटन स्थलों जैसे जाखू मंदिर, माल रोड, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की यात्रा की सैर जरूर करनी चाहिए। शिमला में चलने वाली टॉय ट्रेन यहाँ का प्रमुख आकर्षण है जो आपको खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों के बीच लेकर जाती है। इस रेल ट्रैक को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन मार्गों में से एक कहा जाता है। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत में घूमने की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जो अपने आकर्षण से यहां आने वाले पर्यटकों को मोहित कर देता है। हरे भरे चाय के बागानों के बीच में रेज की पहाड़ी पर फैला हुआ दार्जिलिंग की समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो अपनी शांत जलवायु की वजह से सालों भर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह सुंदर हिल स्टेशन हनीमून के लिए आने वाले लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। दार्जिलिंग को हिमालय की रानी भी कहा जाता है। यहाँ चाय के बागानों में पत्तियों को तोड़ती हुई महिलाएं और हरे भरे पहाड़ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग में कई चाय के स्टेट हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अगर आप किसी प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक बार दार्जिलिंग की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आगरा। आगरा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शाहजहाँ की पसंदीदा पत्नी मुमताज बेगम का मकबरा है जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ताजमहल के नाम का अर्थ है महल का ताज। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ताजमहल एक बहुत ही आकर्षक संरचना है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के मरने के बाद उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल करीब 42 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इसके अलावा आगरा में स्थित फतेहपुर सिकरी, अकबर का मकबरा, कंदर का किला, आगरा का किला आदि आगरा शहर को भारत के टॉप 10 पर्यटन शहरों में से एक बनाते हैं।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो और रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।